सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, क्या बोल दी पब्लिक, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल वुल्फ का, आर्क ड्रैगन हंटर का। ओ गाइस, आर्क ड्रैगन हंटर के पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा, फाइनली बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद हम लोग ने जो गाइस हमारा वुल्फ था ना गाइस, उसका नाम क्या था भाई, नाम भूल गए, एरोटा क्या, अरे एरोटा तो अपना टाइटन है भाई, जो कि अपना सबसे पावरफुल वाला वुल्फ था ना गाइस, जिसको फाइनली हम लोग ने पिछले एपिसोड में यहाँ पे टेम करने का काम जो है ना गाइस वो कर लिया है। और आई एम हैप्पी कि हम लोग भाई इतने ज़्यादा दूर तक जो ना गाइस यहाँ पे ड्रैगन हंटर में पहुँच पाए, बट जो फाइनल किंग ड्रैगन है उससे अभी तक जो ना गाइस पंगा लेना यहाँ पे बाकी है, और उसको मारना जो ना गाइस अभी तक बाकी है। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, बहुत ज़्यादा जल्दी उसको मारेंगे हम लोग। बाकी आज हम क्या करने वाले वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो नए बंदे होंगे यार फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको गेमिंग विदानी के चैनल की, जिनके चैनल पर मल्टीप्लेयर ड्रैगन हंटर की जो सीरीज है वो यहाँ पे चालू हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और गाइस यहाँ पे अगर आपने अभी तक एनी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके कर लेना गाइस, 100K का गोल उनका कंप्लीट होने वाला है बहुत ज़्यादा जल्दी। बाकी अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने तो नीचे लिंक मिल जाएगा निट्राडो सर्वर का, जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो, तो जरूर चेकआउट कर लेना निट्राडो सर्वर को भी। और गाइस अगर आप लोग को यहाँ पे जो है ना गाइस हमारे चैनल को सपोर्ट करना है तो लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में थैंक्स का बटन है, जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते, और आपका छोटा सा सपोर्ट भी हमारे लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। तो जरूर से नीचे दिए गए लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में जो थैंक्स का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सपोर्ट करने की कोशिश करना गाइस। तो देखो आज हम लोग क्या करने वाले बताए यार, बॉसेस को मार के बॉस टेमिंग बीमिंग करके भाई यहां पे भाई बहुत ज्यादा अपन थक चुके हैं भाई। मैं जो ना गाइस पिछले कुछ दिनों से बस बॉस को मारो उसको टेम करो वही काम करे जा रहा हूं यार। मैंने टेमिंग जो है ना गाइस वो बिल्कुल भी नहीं करी किसी भी डायनो की, और फाइनली आज मुझे यहाँ पे टाइम मिल चुका है, तो आज पहली फुर्सत में हम लोग जो ना गाइस कुछ डायनोस को यहाँ पे टेम करने वाले। हाँ भाई ऐसे वैसे डायनो को टेम नहीं करेंगे, डायरेक्टली मैक्स टायर जो कि अपनी एबिस वाले टायर है, तो एबिस वाले टायर के जो डायनोस है उन्हीं को टेम करने का काम अब लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों करते आज का एपिसोड बिना किसी देरी के शुरू, और मचा डाल दे एकदम वर्ल्ड तबाही। और एपिसोड तो वैसे शुरू हो ही चुका है, और मैं यहाँ पे भी देखने वाला हूँ कि एबिस वाले कौन से डायनोस यहाँ पे ना स्पॉन हुए। मुझे बंदे बोल रहे एक्सपेरिमेंटल वाले डायनो टेम करो, तो एक्सपेरिमेंटल वाला बस एक ही डायनो गाइस यहाँ पे स्पॉन हुआ है जो कि एबिस भाई, इसके अलावा और कोई डायनो स्पॉन नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंटल वाले काफी सारे डायनोस तो यहाँ पे बट कोई भी स्पॉन ही नहीं हो रहा, अपन करे तो करे क्या बताओ। अभी ना बात करते हैं एबिस की। सो एबिस में यहाँ पे हम लोग को काफी सारे ना अलग अलग डायनोस देखने को मिल रहे हैं। बिग फुट बोले तो अपना गोरिल्ला, ठीक है, एंड्रू 75 लेवल नहीं चाहिए, ये आर्तो बोलो भाई ये भी काफी लो लेवल का, टेम करना है तो हाई लेवल का। बैसिलो यार, बैसिलो सरोस तो पानी में होता है ना यार भाई, तो मैं आप पे दिखाई भी नहीं दे रहा, पता नहीं कौन से कोपचे में। बीवर तो नहीं डेम करूंगा यार, चुटकू सा बीवर भाई ये डेम कर सकता हूँ एक्चुअली मैं। कार्नो भी डेम से कर सकता हूँ। आलू है क्या, आलू नहीं, आलू तो दिखाई नहीं दे रहा भाई, चाली दिखाई दे रहा है मेरे को। ए चाली को तेरे में पत्थर मारने वाला है ना, हाँ गई पत्थर मार डोडो एबिस डोडो है, एबिस वाले डोडो है गाइस, एबिस वाले डोडो गाइस, एबिस वाले डोडो क्या बोलती पब्लिक, एबिस वाले डोडो को यहाँ पे वो कर ले क्या, कब्जे में ले ले। रुको मैं देखना चाहता हूँ भाई, दो लोकेशन लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है दो लोकेशन लेके जा रहा हूँ, एक तो एबिस वाले डोडो और क्रैब कार्नो। कार्नो कर सकता हूँ एक्चुअली मैं कार्नो, अरे मैंने टेम कराता हूँ तो मर गया ना कार्नो। चाली कर लेते, चलो नया डायनो टेम करेंगे चाली भाई, ठीक है चलो आ जाओ भाई लोग, ठीक है। पहले ना मैं भाई डोडो को भाई देख के जाऊँगा, ये तो भाई डेजर्ट में भाई, ठीक है भाई। आपने जो ना गई भाई ग्रिफिन को पहले बाहर निकाल लूँ, ग्रिफिन अंकल यहाँ पे आ जाइए, जो अपना क्या बोलते हैं वॉल्केनो वाला बायोम है ना वहाँ पे डोडो एबिस वाला। एक मिनट रुक जाओ भाई, टेम करने के लिए जा रहा हूँ तो टेमिंग भाई फूड तो लेके जाऊँ मैं एबिस वाला, ठीक है। टेमिंग फूड बोले तो ये रहा एबिस वाला टेमिंग फूड, इसको बनाने के लिए रेयर फ्लावर, अरे यार यही कम पड़ता भाई, यही कम पड़ता हमेशा गाइस, ये लो रेयर फ्लावर ही कम पड़ता है कैसे हमेशा। रुको गाइस 200 रेयर फ्लावर बना लेता हूँ, और थोड़े से अरे यार टेक वाला सूट ही पहन लेता हूँ। रुको भाई टेक वाले सूट से ना क्राफ्टिंग करते करते भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ना एक्चुअली मैं जा सकते, ठीक है चलो आ जाओ। अरे मशीन गन काय पकड़ ली भाई हाथ में,
थोड़ी भाई वॉर के लिए जाना है। अबे यार मार मार भाई, यूज कर ले, नाइस वन भाई। क्या ही गिरा है भाई क्या? अरे भाई पानी पूरा क्लियर क्लियर दिखने लग गया है भाई। टेक सूट के जो हेलमेट है ना, क्या जो अभी वर्क करने लग गया है यहाँ पे बताओ। मुझे वैसे चाहिए थे थोड़े से रॉक रूड, ठीक है भाई। यहाँ से ना थोड़े से रॉक रूड जो है गाइस वो ले लेता हूँ, और ऊपर चढ़ के जो ना गाइस अपन लोग बना लेते गाइस यहाँ पे एबिस वाले डेमिंग फूड भाई, ठीक है। अपन लोग क्या बना लेंगे भाई, एबिस वाले डेमिंग फूड। यहाँ पे मुझे रॉक रूड बिक्रूट डाल लें तो आज तो भाई एबिस वाले खतरनाक से डायनो टेम हो गए रहेंगे भाई किसी भी कीमत पे, ठीक है। ये रहा एक और यार दो, ठीक है। चलो भाई क्योंकि दो डायनोज टेम करने के लिए जा रहा हूँ, अगर मुझे ज्यादा डायनोज मिले ना तो मैं ज्यादा टेम कर लूंगा, बट फिलहाल के लिए हमारा गोल है कम से कम दो एबिस वाले डायनोज को टेम करना, ठीक है, जो कि कुछ ज्यादा बड़ा गोल नहीं है मेरे हिसाब से तो। ओके गाइस, ये भाई एक एबिस, और यार ये बॉसेस बिचेस भाई उतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, ठीक है। इनको मैं यहाँ पे अंदर ही डाल के रख देता हूँ। चलो गाइस एबिस मैंने ले लिया, पहले एबिस वाले डोडो देख लेता हूँ। अगर एबिस वाले डोडो हमको मिला, और सोचो भाई डोडो ने किसी बॉस की बैंड बजा दी, बॉस की तो बेइज्जती हो जाएंगी भाई यहाँ पे, फुल टू बेइज्जती हो जाएंगी। चलो देखते ये एबिस वाला डोडो है ना, ये एक्चुअली में क्या है। ऐसा ना हो कि एबिस वाला डोडो रेक्स निकल जाए, हम लोग डोडो भाई एज्यूम करके जा रहे और वहाँ पे जाके पता चला है तो डोडो रेक्स निकल गया, थोड़ा तो बड़ हो जाएगा। चलो कोई ना, डोडो रेक्स भी काफी पावरफुल ही होगा एबिस वाला जो है। चलो चलते फटाफट से वोल्केनो वाले बैम में, और वहां से ये जो एबिस वाले डोडो जो भी चीज है उसको देख के आते की क्या चीज है भाई एक्चुअली में ये। A few moments later. भाई 1951 पे तो मैं आ चुका हूँ ना, 52 पे जाना है क्या भाई? एक कदम और, एक कदम और दूर भाई, ठीक है। रुको भाई 1952, बस रुक। अरे यार ये डोडो है क्या भाई? डोडो कुछ ज्यादा ही सेफ जगह पे नहीं बैठा है भाई तू है? आप बताए मेरे को, अरे भैंस की आग भाई, आप बताए मेरे को तो एबिस वाला डोडो है बट कुछ ज्यादा ही सेफ जगह पे बैठा है भाई तू है? अरे यार इसको तो मार सकता हूँ, बट भाई डोडो की भाई जो थोड़ी सी भाई जिंदगी है ना वो भाई झंड हो जाएंगे यार भाई। काम कर लो, डोडो को टॉर्पोर दे दिया ना भाई, इसको उंगली करके दूर बुला लो। ए भाई मारना फिरना नहीं रे भाई, सच में डोडो ही है गाइस, डोडो ही है, डोडो ही है, डोडो ही है, डोडो ही है, ये डोडो। अबे यार मैं घर पे चला जाऊंगा, बच गया भाई, मेरे को इसने स्टन दे दिया है भाई। देख रहा हूँ हील नहीं पा रहा हूँ लिटरली, मैं जाग ना कर रहा मैं। अबे चल भाई तेरी भेज गया, लाइटनिंग विंडिंग डालेगा क्या भाई? इसको दूर लेके जा रहा हूँ मैं डोडो से भाई, डोडो को मैं टेम करके रहूँगा, इसको पानी में लेके जा रहा हूँ। उसको ये आ जा रहे यूटी के बच्चे भाई, इस यूटी को मार सकता हूँ मैं। अरे एक काम करता हूँ भाई, एक काम करता हूँ भाई, एबिस वाले ये यूटी को ना मारेगा कौन बताओ भाई? ये बॉस ने ना मेरे को हवा में स्टन करने का दुस्साहस कराएगा, इसकी सजा तो इसको मिलेगी ना गाइस, मिलेगी भाई, बराबर मिलेगी सजा, बराबर सजा मिलेगी। इधर आ शेमड़े, इधर आ, इधर आ भाई, इधर आ, इधर आ, इधर आ भाई, क्या डाल रहा है ये, क्या क्या डाल रहा है भाई तू? इधर आ, इधर आ, इधर आ तू भाई, क्या बम चिकी चिकी बम बम भाई, इधर आ तू, नहीं तू आ जा भाई, तू इधर आ बस भाई, आ जा आ जा। नहीं आ पा रहा है क्या? अरे नहीं आ तो नहीं पा रहा, आ रहे भाई लुल्लु करके जज से, नहीं जज से नहीं आ पा रहा भाई। इधर आना भाई, इधर आना भाई, आना भाई जमीन पे, पानी में आना, नहीं आ पा रहेगा पानी में? आ रहे, आ रहे अल्लू अल्लू करके भाई ऊपर भाई, यहाँ पे एकदम फुल्टू तूफान उठ चुका है, ठीक है भाई। फिर देखा भाई बेज्जती कैसे करता मैं भाई, देखना अभी तुम्हारे भाई का जलवा भाई, ये मरेगा तो डोडो के हाथों ही मरेगा भाई, ठीक है। मैंने ठान लिया है इसकी पेटी जो ना कि मैं डोडो के हाथों ही बनाऊंगा, देखना कैसे भी आपको मैं दिखाता हूँ डोडो पावर भाई, ठीक है डोडो पावर भाई। आप डोडो को समझ रहे हो नल्ला, लेकिन डोडो नहीं है नल्ला गाइस। देखना भी कैसे भाई सबकी बैंड बजा देता है, बस ये अटैक बिटैक ना कर दे वरना डोडो की बैंड बज जाएगी यार उल्टा। अरे चल बे, अरे यार स्टन कर दिया भाई, पापा का परा बन के यहाँ पे अटका हुआ। देखो देखो भाई, नहीं हिल नहीं पा रहा हूँ मैं, एक मिनट रुक जा, मेरा डायनो को स्टन पड़ा, मेरे को थोड़ी पड़ा। इधर आ, इधर आ भाई, मैं तो चल सकता हूँ भाई, मैं जाके भाई फटाक से टेम कर लूंगा डोडो को भाई। कितना है भाई 180? अरे यार इसको मार भी तो पड़ी है यार, मुझे बता दें इसकी लेवल अप कितनी मिलेगी, मार तो खाई है भाई इसने भाई। ये टेम हो जा भाई, भाई डोडो बोल दे भाई अभी इस वाला कितना भाई वन ए ए भाई भाई, अरे 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 तेरी भेज की डेट, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है? अरे वाह भाई, हाँ मेरे को बताया था तेरे को ऐसे शौक है भाई, कहीं पे भी मुंडी डाल देता है। देखो कहाँ भी मुंडी डाली है इसने, देख रहे हो भाई सस्ते नशे भाई ये डोडो के। आ वाह 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 वाह, मुंडी डाल के। अरे भाई इसकी आँख अद्भुत भाई, ये क्या देखना पड़ रहा है यार, ये क्या देखना पड़ रहा है भाई, डोडो के कहाँ कहाँ मुंडियाँ डाली जा रही है भाई। हेलो सर, सर ये क्या कर रहे हो आप, सर ये क्या कर रहे हो, मुझे आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे डोडो, तकलीफ तो नहीं हो रही ना चाहता भाई? अभी मैं क्या करूँ भाई, मुझे लगा मैं इसके ऊपर राइड कर सकता हूँ। हाँ राइड आई ना भाई, क्या राइड का ऑप्शन नहीं लगाई क्या तुमको? रुको तुमको डोडो पावर दिखाता हूँ मैं भाई, डोडो का आंडू पांडू समझ रखे हो तुम, रुक जाओ। तुमको मैं भी डोडो की पावर ना दिखा देना भाई, नाम बदल देना बस भाई, इतने इतने हेल्थ में पॉइंट इनफ है भाई, ठीक है।
थोड़े से पॉइंट, अरे थोड़े से पॉइंट मत दे भाई, एक्सपी पोशन दे भाई। अब भी तो भाई पहले उस यूटी को मारूंगा, उसके बाद भाई अपना भाई अगला वाला एपिस डायनो टेप करने के लिए निकलूंगा भाई, ठीक है। आज तो कैसे एपिस डायनो टेप होकर रहेंगे ऐसे कैसे मजेदार मजेदार डायनो टेप करने में एक्चुअली में काफी मजा आता है। तेरे पास अटैक कौन सा है? बाइट अटैक। और ये क्या है? ये क्या था? जिंगाला लाऊ, ये क्या कर रहा है? अरे बाप रे, कुछ तो गिर रहा है वो आसमान से, कुछ तो गिरा रहा है। हाँ गिरा रहा है, कुछ तो गिरा रहा है भाई। ठीक है, सी पे, कंट्रोल पे, एक्स पे, ए बी सी डी एफ जी, क्यू पे, आर पे, जी पे, यू पे, ओ पे, एक्स वाई जेड, कुछ भी नहीं है। ये लेफ्ट क्लिक वाला कोई अटैक है? हाँ, जिसमें भाई आसमान से वो गिर रहे गोले गोले, आसमान से गोले थे शोले गिर रहे गाइस। हाँ भाई, ये कोई तो अटैक है इसके पास, तगड़ा वाला अटैक लग रहा है, डैमेज तगड़ा जा रहा है गाइस। ये भाई तेरी हेल्थ भाई 78 बिलियन है ना भाई, देख ले पहले 78 बिलियन है कि नहीं, पता चला बॉस उल्टा मार के चला गया। हाँ 72 बिलियन है। चलो अभी ना भाई डोडो की पहले मैक्स लेवल होना जरूरी है बॉस फाइट करने से पहले। मैं नहीं चाहता भाई यहाँ पे हमारे चुटकू सा डोडो बेज्जती के साथ भाई यहाँ पे मर जाए भाई, ठीक है, बेचारे की बेज्जती हो जाए भाई, भाई ले मर जाएगा वो भाई। मीटर शावर गिरने तक तो भाई मेरे दो बच्चे पैदा हो जाए भाई। देख रहे हो कितना लेट भाई मीटर शावर गिरा रहे हैं, मतलब जहाँ पे हम लोग डालेंगे ना वहाँ पे वो मीटर शावर गिरेगा। हाँ बस चार चार जन्म लग जाएंगे इतने में तो भाई। ए लो भाई मर गए, लेकिन मर गए गाइस, लेकिन हार्वेस्ट कर रहा है क्या ये डोरो के पास? हार्वेस्टिंग एबिलिटी नहीं, डैमेज। अरे 102 मिलियन डैमेज भाई डोडो। ये च्यवनप्राश का क्या है क्या था भाई? सवेरे सवेरे मुझे लग रहा है भाई ये कुछ तो करके आया है, आज लग रहा है डोडो करके आया गाइस। तो बहुत गंदा डैमेज दे रहा है डोडो गाइस। रुको आपको दिखाता हूँ असली डोडो की पावर भाई ना, हमारे डोडो को फ्लावर समझे हो क्या भाई? रुक जाओ भाई, भाई अभी आपको भाई डोडो वर्सेस बॉस भाई, जो भी बॉस इससे भरेगा ना वो बॉस भाई सबसे नल्ला बॉस चैलेंज हो जाएगा यहाँ पे भाई डोडो से भाई। आप तू भाई, आप तू, रुको रुको गाइस, देखते आप तू वाला बॉस कौन सा है। पहले तो इसके अंदर मैं ट्रैकर डाल देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर राइड कर लेंगे। ए भाई राइड, अच्छा राइड का ऑप्शन डायरेक्टली आ गया ट्रैकर डालने के बाद, ठीक है चलो आ जाओ भाई। अभी देखो आपको मैं दिखाता हूँ डोडो की पावर, वो किधर है वो ऑफिस वाला डायर। पापा की परपिन की उड़ जाए ना? नहीं नहीं उड़ सकता, जंप कर सकता है बट उड़ नहीं सकता गाइस, उड़ नहीं सकता। चलो कोई ना, हाँ पत्थर पत्थर तोड़ रहा है गाइस, चलो इतनी तो एबिलिटी है कि पत्थर पत्थर उड़ रहे हैं गाइस इससे। देखना ऐसे ऐसे टच होते हैं भाई, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन उड़ रहे पत्थर। है भाई ये कौन बॉस है? अच्छा इसी को तो मारना है हम लोग को। हेलो सर कैसे हो? मेरे से डबल हेल्थ है इसकी, मेरे से डबल हेल्थ है भाई। डरे क्या भाई, जिम करे भाई। एक का डैमेज यही है तेरे औकात ब्रो। रुक जा तेरे को दिखाता भाई डोडो पावर, देखेगा डोडो पावर देखेगा शेमड़े। रुक तेरे को डोडो पावर दिखाता, तेरे को डोडो पावर दिखाता। म्यूजिक बजा रहे कॉपीराइट वाली, अब अलग बात है कॉपीराइट तो गिरा नहीं लेकिन म्यूजिक बजा रहा कॉपीराइट वाली। बैस गया रुक, बैस गया रुक जा रुक जा, तेरे को दिखाता असली डोडो पावर भाई, तेरे को असली डोडो पावर दिखाऊंगा मैं भाई। अरे बाप रे, अरे 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 बाप कर दे यार, माफ कर दे भाई। अरे 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 भाई तेरे पास तो बहुत ज्यादा जाना भाई। अरे 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 भाई टट्टी निकाल देगा क्या डोडो की तू भाई? मार डोडो, डोडो कम ऑन दिखा दे अपने असली पावर, डोडो से मरेगा ही बॉस। बॉस बहुत भाई, अरे बॉस तो ट्राई हार्ड कर रहा है भाई, बॉस तो ट्राई हार्ड कर रहा है एकदम फुल। अरे भाई इसके भाई डोडो की भाई आप है फुल बैंड बच जाए यार, लग नहीं रहा भाई। गलत बंदे से बंगा ले लिया रखा मैंने, गलत बॉस से बंदा बंगा ले लिया रखा है। अबे गिर भी रहा है कि नहीं, मार खा रहा उल्टा भाई डोडो तू भाई डोडो क्या। अरे यार डोडो को स्टन भी तो पड़ा है, हिल नहीं पा रहा क्या भाई? दुनिया हिला देंगे हम क्या भाई? 4 लाख का डैमेज इधर है डोडो, क्या भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? दिखा अपना असली जरवा दिखा, कोई ना मार खा ली तो हीलिंग पोशन मैं बना लूंगा। अब 30 हीलिंग पोशन बचे हुए बस का लिया, मरना नहीं भाई इससे पहले। अरे इसके हाँ भाई डोडो के बच्चे हैं भाई, रेन दो माफी बस, दूसरे किसी बॉस को जाके मार के आ जाऊंगा, उसके ऊपर दादागिरी करके आ जाऊंगा। इसके ऊपर नहीं मार रहा भाई, क्या क्या मार रहा है कैसे बॉस? जा रहा हूँ चुपचाप कैसे मैं चुपचाप घर पे जा रहा हूँ भाई। भाई बहुत मार रहा है बॉस, बहुत मार रहा है। मुझे लगा था डोडो से इसकी बैंड बजा दूंगा। डोडो तू टेंशन नको लेना, तू टेंशन नको लेना, तेरे को मौका मिलेगा अपने असली पावर। भाई कहाँ जा रहे हैं भाग भाग के यार? डोडो को मौका देंगे इसकी असली पावर भाई दिखाने का, टेंशन नको लेना। अभी तो मेरे को जाना है और एक और भाई अबिस को डेम करके लाना है, जो अबिस है कैसे अपना चालिकोथेरियम भाई, ठीक है चालिकोथेरियम अबिस भाई साहब। आरपीडीएस में तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला होता है चालिकोथेरियम, बाकी देखते हैं। अभी यहाँ पे भाई इस वाले ड्रैगन हंटर सीरीज में अपना जो चालिकोथेरियम है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। अभी टीपी मार रहा होगा इसमें सीधा रेड ऑफ लिंक पे और वहाँ से हम लोग चलते हैं डेजर्ट में। चलो गाइस लेट्स गो, डेजर्ट में पहुँचते हैं चालिकोथेरियम के पास। A few moments later, guys, 78, 77 पे ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका हूँ।
और यही भी हम लोग को हमारे ऑफिस वाले चाली को दे रही है महीना का जो मिलने वाला है। वाह भाई वाह, ले भाई बारिश भी आ गई यहाँ पे। ओ ये रहा भाई, ये जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हो, हाँ भाई चाली है अपना भाई, हेल्थ तो इसकी तगड़ी वाली लग रही है। चलो आ जाओ भाई, अपने पास एक सूट है, इजीली गए जहाँ पे। अबे यार तू क्राय क्यों नहीं, वहाँ हो जा भाई क्राय हो। ठीक है चलो भाई, इजीली जो ना कहे चाली को दे रही हमको, हम लोग यहाँ पे टेम कर लेंगे इसके आजू बाजू। भाई वल्चर घूम रहे नॉर्मल वाले, एक फटके में नॉकआउट भाई, एक बटके में नॉकआउट। वैसे हमारे डोडो मार पाता है, लेकिन डोडो के पास जो एबिलिटी थी ना वो उतनी ज़्यादा खतरनाक वाली नहीं थी जितनी मैंने सोची थी भाई। ऐसा नहीं कि उसके पास एबिलिटी थी नहीं, एबिलिटी तो थी बट वो अजीब ही। अरे पैसिव डेम भाई, बग बेस क्या पैसिव डेम थोड़े हो कहाँ, अरे सच में पैसिव डेम है तो। अरे बग ना लाड में, अरे करे अब यार चीटियाँ भी अभी उंगली करेगी क्या, पैसिव डेम है। अरे मजाक कर रहे हो क्या भाई, एक डायनो ढूंढा मैंने जिसको मैं टेम कर सकूँ, वो भी पैसिव टेम में निकल गया। कारण तो मेरे पास एबिस वाला पड़ा हुआ है भाई, वो नहीं चाहिए मेरे को, मुझे कोई चाली चाहिए भाई। यार अभी इसको भाई उठाएंगे कैसे, भाई इसका टॉर्पर तो बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला चढ़ चुका है यहाँ पे। एक मिनट रुक जाओ भाई, कहीं पर एक्सेस इन्वेंट्री आ रहा है क्या, नहीं हाथ धो नहीं रहा, लग नहीं रहा कि इसकी चाली को हम लोग ऐसे टेम कर पाएंगे भाई। हो जाना टेम, नहीं यार ना हो नहीं रहा गाइस, टीम ना हो रहा है कैसे चाली को दे रही हम भाई। इसको जो ना कैसे हमको पैसिव टेम भाई करना पड़ेगा, और मैक्स लेवल का यही वाला था जिसको मैंने भाई बेहोश कर रखा है अभी फिलहाल के लिए। तो ठीक है, काम कर लेता हूँ मैं भाई। ठीक है, अभी बारिश जो ना गाइस वो तो आ चुकी है, और अभी हम लोग और कोई एबिस वाले डायनो तो टेम नहीं कर सकते। ठीक है भाई, बॉस फाइट करके थोड़ा सा भाई मैं थोड़ा सा ना थक चुका हूँ यार यहाँ पे, इसलिए बॉस फाइट तो आज हम नहीं करेंगे। मैं पहले घर पे चलता हूँ, और मैं घर पे देखता हूँ कि मुझे और कौन से वाले डायनोज यहाँ पे मिल रहे हैं भाई। ठीक है, मैं टैबू वाले देख लेता हूँ। चलो टैबू वाले भी काफ़ी सारे ऐसे डायनोज है जिनको मैंने अभी तक टेम ही नहीं करा है, सो टैबू वाले डायनोज देखता हूँ कि कौन कौन से अवेलेबल है, क्योंकि एबिस वाले ज़्यादा तो अवेलेबल नहीं है ना यहाँ पे। इसलिए गाइस बेसिलिक टैबू ब्रायनिक्स ये ठीक हो जब कुछ हो सकता है। ठीक भाई, केमा कैमल कार्नो है, मैगमासोर है, वाइब्रन है, डीलो है, बुआफ्रिल है। मैं ब्रायनिक्स चेक कर सकता हूँ एक्चुअली, मैं ब्रायनिक्स देख सकता हूँ, या फिर डीलो वो सोरस काफ़ी लो लेवल लग रहा है मुझे। ठीक है, टैबू वाला एक वाइब्रन भी हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे, मैगमासोर है लेकिन काफ़ी लो लेवल का है। ठीक है, सो मैं ब्रायनिक्स और टैबू वाला वाइब्रन देख लेता हूँ। ठीक है गाइज, ये बारिश आना तो उसके बाद इन दोनों को गाइज हम लोग फटाफट से टेम कर लेंगे यहाँ पे भाई। ठीक है, टैबू वाले रहेंगे सो उनकी पावर मतलब डैमेज तो होगा लेकिन एबिस वालों की जितना नहीं होगा, लेकिन कोई ना चलो आ जाओ भाई यहाँ पे बारिश जाना, तो उसके बाद उन दोनों डायनोज को मैं टेम कर लेता हूँ भाई। ठीक है, लेट्स गो बॉयज। बारिश गई से अभी जा चुकी है, और अभी हम लोग टैबू वाले डायनोज को टेम करने वाले, एबिस वाले डायनोज को छोड़ के। वैसे मुझे टैबू पहले बनाना पड़ेगा दो रेयर मशरूम। अरे यार ये एक ही चीज़ हमेशा कम पड़ती रहती है यार मेरे को, भाई क्या ही बोलूँ। वाइब्रन में क्यों टेम कर रहा हूँ बताइए, क्योंकि मैंने एक एबिस वाला वाइब्रन टेम करा है, और आपको बताइए गाइस कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक वाला है। अबे रेयर मशरूम चाहिए, रेयर फ्लावर नहीं, पहली बार रेयर मशरूम कम पड़ रहे बाबा। ठीक है चलो, एक और टैबू बनाने के लिए रॉकरूट और रेयर मशरूम और चाहिए, थोड़े से 60-70 रेयर मशरूम चाहिए होंगे। रुको गाइस यहाँ पे भाई रेयर मशरूम डालने दो मुझे, 77 और मुझे रॉकरूट चाहिए होगा ना कैसे इससे। ठीक है, मैं नीचे से रॉकरूट लेके आता हूँ भाई। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ, लेट्स गो। डरे है क्या भाई, अरे रुको रुको, अरे रुको जरा सब्र करो। ओके रॉकरूट ये रहा भाई। चलो गाइस फटाफट से दो डैबू बना लेते हैं, अगर गाइस ज़्यादा टाइम लग गया ना गाइस हम लोग को ये सारे डायनोज को टेम करते हुए, तो हम लोग एक ही भाई टैबू वाले डायनो को टेम कर लेंगे गाइस। ठीक है ऑलराइट, क्योंकि हम लोग ने पहले एक डोडो टेम कर रखा है, और बॉस फाइट करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा तो पहले ही निकल चुका है। ठीक है, एक टैबू तो मेरे पास है, एक बनने दो यहाँ पे, मैं पहले जाके ना वाइब्रन को टेम करके लाता हूँ, वो भी टैबू वाले भाई। ठीक है, टैबू वाइब्रन जो कि 5782 पे है, एंड ये लोकेशन मेरे हिसाब से डेजर्ट में ही है। ठीक है, डेजर्ट में ही लोकेशन है गाइस। ठीक है, वो जो अपना लास्ट लोकेशन था उसके थोड़ा सा नज़दीकी पड़ जाएगी ये लोकेशन, मतलब उतनी भी नज़दीक नहीं, लेकिन वहाँ से मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। रेड ऑब्लिक पे टीपी मारो, वहाँ से भाई वापस से डेजर्ट में जाओ, उससे अच्छा गाइस लास्ट लोकेशन पे टीपी मार के मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। ठीक है, ये लोकेशन हाँ भाई थोड़ी सी दूर है, ज़्यादा नहीं। चलो फटाफट से पहुँच देगा इस वाइब्रन के पास, और इसको टेम करके देखते हैं टैबू वाला वाइब्रन कितना ज़्यादा खतरनाक वाला है। ये रहा गाइस टैबू वाला वाइब्रन, जिसके ऊपर आ वाह साइड में भाई यहाँ पे टाइटन भी है। ठीक है चलो फटाफट से इसको क्राइव कर लेता, और भाई देखो भाई
भाई मैं विदाउट अपने सूट का इस्तेमाल कर इसको कैसे नॉकआउट करता हूँ। इजी बॉयज इजी, लेट्स गो। आसमान से गिरते गिरते ये नॉकआउट हो गया भाई। चलो इसके अंदर मैं टैपू डाल देता हूँ, टेबल पर डाल दूंगा, तुरंत ही टेम हो जाएगा गाइस। लेट्स गो बॉय, इजी पीजी। अभी अपने पास एक टैबू वाला जो वाइब्रन है ना गाइस, वो भी आ चुका है। और ये एक्चुअली में टैबू वाला वाइब्रन काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इसकी हेल्थ ना थोड़ी सी मुझे कम लग रही है। रुको गाइस, अपन वाइब्रन कंपैरिजन करते हैं। अपने पास ये टैबू वाला वाइब्रन है और ये एबिस वाला वाइब्रन है, दोनों में से खतरनाक कौन दिख रहा है दिखने में? हाँ दिखने में गाइस, के पावर के मामले में तो एबिस के भाई मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता भाई। ये पहला ऐसा डायनो था जिसने भाई बॉस की बैंड बजाई है, ठीक है, तो इसका कंपैरिजन तो कोई कर नहीं सकता। मुझे देखने में चला जाए तो ये रेड कलर का मुझे ज़्यादा कूल लग रहा है। ये एबिस वाला जो है ना गाइस उतना ज़्यादा कूल नहीं लग रहा, इसका रेड वाला जो लुक है मुझे काफ़ी कूल लगा। आज दिखने में एग्जैक्टली सेम टू सेम है, बस कलर का यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, इसका पर्पल और इसका रेड है भाई। चलो आ जाओ भाई, टैपू वाले के पास भी सेम एबिलिटी होगी, चलो चेक कर लेते हैं अभी। पहले तो इसकी मैक्स लेवल कर लूँ मैं, एक्सपी पोशन डाल के इसकी मैक्स लेवल कर लेते। इसकी हेल्थ कितनी जाएगी आपको क्या लग रहा है? 100 बिलियन मुझे नहीं लग रहा जाएगी यार। हाँ 10 बिलियन भाई, क्योंकि टैपू वाला है ना गाइज, सो टैपू वाले की हेल्थ उतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। चलो मैं इसकी हेल्थ जो ना गाइज 20 बिलियन कर देता हूँ और मिली डैमेज में जो ना गाइज यहाँ पे जितने भी पॉइंट इसके आएंगे ना सारे के सारे डाल देंगे। वो अभी यहाँ पे चेकआउट कर लेते इसके पास कौन सी एबिलिटीज है। पावर पाइट अटैक, ठीक है। ओ इसके रेड बॉल छूट रहे, ठीक है भाई। उसके भाई पर्पल छूट रहे थे, इसके रेड छूट रहे। उसकी व्हाइट लाइटिंग है, उसकी रेड थी भाई, ठीक है, रेड या पर्पल थी कुछ तो, और कुछ भी नहीं है बस इतना। अरे यार ये फ्रीजिंग वाला अटैक भाई, ये तो उसके पास भी था। मतलब अटैक्स की बात करें तो इस वाइब्रन का और उस वाइब्रन के अटैक जो ना गाइस कंपेयर कर तो सेम टू सेम ही है। डैमेज भाई काफ़ी कम होगा शायद से। अरे वो दिल ये क्या, ये भाई क्या डैमेज कितना जा रहा था भाई? 20 मिलियन डैमेज है, ठीक है रुक जा। पर ये क्या, इसका कड़ा है, ये कैसे है? ये क्लोज रेंज अटैक है क्या? ये क्लोज रेंज अटैक है? नहीं क्लोज रेंज तो अटैक नहीं लग रहा मुझे। हाँ तो फिर वहाँ पे टाइटन के ऊपर क्यों नहीं वर्क कर रहा था? मैं भी शायद वो टाइटन जो ना वो इम्यून हो सकता है मेरे अटैक से, इसलिए उसके ऊपर वर्क नहीं करा। चलो कोई ना भाई, मैं इसको अभी यहाँ पे इम्प्रिंट कर लेता हूँ और देखते हैं हमारे टैपू वाले वाइब्रेंट के जलवे। वैसे मुझे नहीं लग रहा खास कुछ जलवे यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे हमारे टैपू वाले वाइब्रेंट के। चलो इसको बिठा देता हूँ, क्राइव करा देता हूँ। मैंने इम्प्रिंट कराया ना तो क्राइव करना जरूरी होता है इम्प्रिंट करने के बाद। अभी देखते हैं इसकी पावर भाई 60 भाई यार, इसका डैमेज भी ठीक है यार, उतना भी बुरा नहीं जा रहा। 60 मिलियन का डैमेज दे रहेगा इस, क्या बोलती पब्लिक देखो भाई, एक पटके का 60 मिलियन डैमेज इसके। और ऐसे भाई एक बॉल का ये जो बॉल है ना लगभग 10 से 15 बॉल गाइस यहाँ पे फेंक रहा है, और इसके एक बॉल का जो डैमेज है वो यहाँ पे 60 मिलियन जा रहा है भाई। ये काफ़ी खतरनाक है। ये कारनो कौन सा वाला है? टैबू वाला है क्या? हाँ भाई टैबू वाला ही है। वैसे मेरे को क्या टेम करना था, दूसरा डायनो जो था ना उसके बारे में भूल ही गया मैं, कोई तो और टैबू वाले डायनो में टेम करने वाला था। चलो गाइस ये वाइब्रन तो काफ़ी कूल लगा मुझे। मुझे एक मिनट रुक जाओ, इसका वाला टैग ठीक है, इसका भी लगातार भाई 60 मिलियन का डैमेज जाएगा भाई। तू क्या भाई हीरो बनेगा ज़्यादा, चल भाई इसका हीरो बनेगा ज़्यादा भाई, बैंड बजा डाले इस कारनों की। चलो एक काम कर लेता हूँ भाई, ये वाइब्रन को जो है ना थोड़ा सा और, अरे नहीं एक मिनट रुक जाओ, हेल्थ कितनी है भाई तेरी? हेल्थ 24 ठीक है, नहीं रेंद मैं बॉस से बिड़ाने वाला था बट इसकी हेल्थ देखे ना थोड़ा सा वो लग गया भाई, एक मिनट रुक जाओ। लेकिन वो बॉस जो था वो तो हवा में नहीं जमीन पे था ना। चलो ट्राई कर देगा इस, आ जाओ भैया जो वाइब्रन से भाई वो जो यूटी बॉस नहीं घूम रहा था गाइस वहाँ पे, उस बॉस की बैंड बजा डालते भाई हम लोग, ठीक है। चलो भाई वाइब्रन को लेके उस यूटी बॉस के पास जा रहा हूँ, भले हमारा डोडो उसको मार नहीं पाया लेकिन हमारा ये जो खतरनाक सा वाइब्रन है वो उसकी बैंड बजा देगा गाइस। आ जाओ चलो, वो भी अपने इस वाले टैग से भाई। हाँ मेरी जी यार भाई 60 मिलियन बोलते ब्रो, और मैं अनलिमिटेड डाल सकता हूँ, अनलिमिटेड है। देखो लगातार क्या लग रहा है, सर्वाइव कर पाएगा वो भाई, देखते चलो देखते हैं। लेट्स गो बॉयज, आ जाओ भाई लोग, अपन लोग आ चुके उस एरिया में। ये कौन है भाई, ये कौन है 160 वाला? अरे क्या लाइटनिंग से। अरे एक मिनट रुक जाओ, उस बॉस के ऊपर अपनी लाइटनिंग फेंक के मारू क्या? ये भाई थोड़ी हीलिंग पोशन लगा लो, क्योंकि उस बॉस ने डोडो की बैंड बजा दी थी, तो भाई उसको ना मेरी बैंड इस वाइब्रन की बैंड बजाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वाइब्रन टैपू वाला है प्लस इसकी हेल्थ
भाई बहुत ही कम है। सो इसके बैट बजाने में उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मुझे एक्स्ट्रा हीलिंग पोशन यहाँ पे बैकअप के तौर पे यहाँ पे लेके जाने ताकि मेरी बैट जो है जो बजना सके। ठीक है चलो आ जाओ। बस मेरे हिसाब से ये पे कहीं पे होना चाहिए। मैं इसको लाइटनिंग दू क्या? ये पहले वो डाल देता हूँ, मैं अपने गोले से छोले अटैक करता, ये वाले अटैक डाल देता लग रहे भाई। अरे बाप रे कचरे के मापिक भाई, डैमेज पड़ रहा बहुत गंदा डैमेज पड़ रहा। क्या हुआ भाई? भाई मरवा दो तुम भाई, नहीं मेरे उस वाइब्रेंट को मरवा दो, इन लोगों ने गेम क्रैश करा दिया मेरा भाई। अरे यार भाई गेम तो क्या बोलूं मैं भाई, दिमाग का दही कर दिया भाई। गेम क्रैश बॉस फाइट के टाइम पे क्यों होता है मेरा? पहले तो कनेक्शन टाइम आउट होता था, अभी तो गेम क्रैश ही हो गया। लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा ही अपने मुंह से बम फेंक दिया यार, बहुत ज्यादा बम फेंक दिया लग रहा है गाइस। ठीक है रुको मैं भाई वापस से रिजॉइन करता हूँ भाई। उम्मीद करो गाइस कि मेरा वाइब्रेंट ना मराओ भाई, यार गेम वाले भाई बहुत चमन है गाइस। रुको मैं रिजॉइन करता हूँ, गेम क्रैश हुआ है भाई, वापस से चार्ट ब्लू करके मॉड बिल्ड लोड करने पड़ेंगे। 3 days later. तो गाइस यहाँ पे हम लोग वापस से गेम में आ चुके हैं, बट जैसे मैंने सोचा था मुझे पता नहीं, रुको मेरे को लॉक चेक करने दो वाइब्रेंट जिंदा है कि नहीं। ठीक है गाइस मैं खाली मराओ, किल्ड बाय अबिस ट्राइबल। ओके ठीक है गाइस मैं खाली मराओ, मेरा वाइब्रेंट जिंदा है और मुझे लगा नहीं था गाइस कि इस फाइट में मैं मरूंगा, इसलिए मैंने जो ना गाइस अपने वाइब्रेंट के अंदर ट्रैकर नहीं डाल रखा था, एंड उस रीजन से आपको पता ही होगा अभी क्या हुआ होगा। अपना वाइब्रेंट गाइस वहीं पे हवा में उड़ रहा है, एंड मुझे जाके उसको पहले तो रेस्क्यू करना है, एंड उसके बाद उसी से जो ना गाइस मैं बॉस फाइट भी ले लूंगा भाई। ठीक है उसी बॉस से नहीं, एक्चुअली में उसी डैबू वाले वाइब्रेंट से हम लोग यहाँ पे बॉस फाइट भी लेने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार ना भाई यार गेम क्रैश हो ही जाएगा अगर मैं लगातार भाई वापस से वो जो अपना अटैक नहीं था वो डालूंगा तो। एक्चुअली में गेम का ग्लिच है गाइस, काई आपको बताऊंगा प्राइमल फेयर में भी एक ग्लिच चलता है कि टेक वाला अगर आप सूट यूज करोगे तो उससे जो ना कि आपका गेम क्रैश हो जाता है। सेम कुछ ग्लिच ना यहाँ पे भी है, मे बी ये टैबू वाले डायनो जो है ना गाइस उसका अगर हम लोग वो अटैक है ना गाइस वो बम डाल दे वाला वो लगातार कंटिन्यू स्पैम करे ना तो अपने गेम की बैट बज रही है। बट चलते भाई वहाँ पे और देखते हैं कि हमारा वाइब्रेंट जिंदा है कि नहीं, अगर होगा तो मैं उसके लाइटनिंग वाले अटैक से उस बॉस को मारने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। लेट्स गो गाइस। चलो गाइस अभी फटाफट से मैं चल रहा हूँ, रुको मेरे स्पाइकला चालू कर लूँ, एंड हम लोग बीच के बाद चल रहे क्योंकि पहुंच चुके इस वाइब्रेंट जहाँ पे हमारा मरा था ना वहाँ पे वो वाइब्रेंट जिंदा है भाई। ये बॉस की बैंड बजा, नहीं मुझे नहीं लग रहा है इतनी जल्दी बॉस की बैंड बजेगी। हाँ बॉस की हेल्थ वाह भाई 1% भी डाउन नहीं हुई है भाई। इसको मारना थोड़ा सा तो मुश्किल लग रहा है, बट अपन कोशिश जरूर करेंगे गाइज। वैसे मेरा डैमेज ना उतना ज़्यादा नहीं जा रहा है, बट स्टिल गाइज कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मेरे भाई। ठीक है चलो आ जाओ, देखते हैं गाइज कि वापस से मेरा गेम क्रैश होता है या क्या होता है। एबिस वाले वाइब्रेंट को लेके जा रहा हूँ गाइज। अरे नहीं एबिस नहीं एबिस नहीं, एबिस कुछ ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। मुझे यहाँ पर लेके जाना है अपने टैबू वाले वाइब्रेंट को। ठीक है ये रहा गाइस टैबू वाला वाइब्रेंट, और इस बार इसके अंदर ना ट्रैकर डाल देता हूँ। इस बार अगर गेम क्रैश हुआ ना तो वैसे इस वाइब्रेंट से हम लोग यहाँ पे और बॉस फाइट नहीं करने वाले क्योंकि गेम क्रैश करा देगा वापस से। अरे ले बेटे ट्रैकर भी नहीं तेरे भाई के पास, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लाइटनिंग अटैक से मारने की कोशिश करूँ क्या? ये पता नहीं लाइटनिंग अटैक कितना बिजनेस। अरे नहीं यार लाइटनिंग अटैक नहीं पड़ रहा, नो एडमिन मोड। अबे कैसा किस चीज़ का एडमिन मोड? अबे मेरे को डालना है। अरे यार मैंने हाथ में भाई बॉल ले रखा है भाई, ये तभी बोलूँ भाई वो एडमिन मोड पे जा रहा था बार बार। ठीक है मैं इसको मारने की कोशिश तो कर रहा हूँ, म्यूजिक तो कॉपीराइट वाला बज रहा है यहाँ पे। रुको एक काम कर लेता हूँ, पहले तुम म्यूजिक कम कर लो, कॉपीराइट लग गया ना तो भाई यहाँ पे बैंड बज जाएगी। चलो आ जाओ अभी इसको मारने की भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, देखते चलो गाइस कि एबिस वाले जो है ना गाइस बॉस को हम लोग टैबू वाले डायनो से मार पाते हैं कि नहीं। ठीक है कोशिश तो कर रहा हूँ, बेसिक मेरा अटैक ही नहीं पड़ रहा लेकिन इसके ऊपर मेरा अटैक ही नहीं पड़ रहा। वाइब्रेंट का अटैक जो है ना गाइस वो थोड़ा सा इधर उधर निकल रहा है, क्या लगता है आपको मार पाऊंगा? अबे यार ये भाई एग्जैक्टली ऐसे लोकेशन पे जाके हो रहा है ना भाई, रुक रहा है ना, क्या बताऊँ मैं आपको भाई मेरा अटैक ही नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर भाई। व्हाट इज दिस बिहेवियर भाई, रुक जा भाई भाई ले बेटा अभी पड़ा भाई अभी कहीं पे जाके बढ़ा, और मेरा डैमेज देख के मुझे नहीं लग रहा कि मैं इसको मार पाऊंगा। वैसे मैं नज़दीक जा भाई रुक जाओ, कर दे स्पैम भाई जो होगा देखा जाएगा, कर दे स्पैम कर दे भाई इसके। अभी आगे गिर रहा है मेरा अटैक यार उसके ऊपर गिरना छोड़ के भाई, ये तो फालतू गिर रहे भाई। अबे इसके ऊपर गिरना, अबे इसके ऊपर, अरे यार अबे उल्टा मार देगा भाई वो बॉस। ले भाई स्टन दे दिया भाई उसने, दे दिया स्टन दे दिया भाई। मेरा अटैक है उसको लग ही नहीं रहा, मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ अपनी बट ना यार। अरे बाप रे लग गए भाई, स्टन भी बढ़ गया और साथ में गाइस
कम ऑन, निकल ले इस अटैक से दूर। गाइस नहीं नहीं, टैबू वाले से नहीं हो पाएगा, मेरे को पता चल गया भाई। अब मैं हिल ही नहीं पा रहा हूँ और ये अटैक पे अटैक डाले जा रहा है भाई। इसने मुझे हवा में स्टन कर दिया था, मैं हिल ही नहीं पा रहा था। रुको गाइस, मैं इसको भाई यहाँ पे रख देता हूँ। टैबू वाला वाइब्रेंट ना उतना ज्यादा कूल नहीं, इतना तो मुझे पता चल चुका भाई। इससे ज्यादा जो है ना, अरे ले पर मेरे को स्टन पड़ गया, वाइब्रेंट को नहीं पड़ा है। रुको आप भी दिखाता इसको, क्या रे भाई शीएमड़े, रुक जा क्या रे, ज्यादा ही रो पड़ेगा। रुको इसको दिखाता भाई अभी इसकी असली जगह। चल बेटा कलाना कल भाई, ठीक है कलाना कल भाई, ये टिक नहीं पाएगा भाई। अपने अबिस वाले वाइब्रेंट के सामने ना बच्चा है, बच्चा कितने हिल डाउन होगी भाई, 10% हिल डाउन भाई। अबे अबिस वाला वाइब्रेंट इसके अंदर जाके अटैक दे दे भाई, डायरेक्टली देखो भाई, जलवा देख रहे हो, जलवा अपने अबिस वाले वाइब्रेंट का, अंदर जाके अटैक दे रहा है भाई, अंदर जाके सीधा अंदर जाके गाइज, इतना कॉन्फिडेंस है गाइज। देखो भाई कॉन्फिडेंस देख रहे हो भाई, सीधा इसके भाई अंदर अटैक जाके दे रहा हूँ। बड़े बॉस भाई मेरे को कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि इसने अपनी भाई जो किस्मत है गाइस उसको अपना लिया है। इसको बताया कि इसको मृत्यु मिलने वाली है भाई, ये कुछ भी कर ले बच नहीं पाएगा मेरे अटैक से, मर गया। इजी पीजी बॉयज भाई। अबिस वाला वाइब्रेंट जो ना वैसे टैबू वाले वाइब्रेंट से ज्यादा ही पावरफुल होगा, क्योंकि उससे भाई थोड़ा सा हाई लेवल का है, हाई टायर वाला है। इसलिए गाइस अबिस वाला वाइब्रेंट मुझे पसंद आया, लेकिन टैबू वाला वाइब्रेंट उतना कुछ खास लगा नहीं। और गाइस ये गेम भी क्रैश के चक्कर में ना अपना काफी ज्यादा टाइम वेस्ट भी फोकट में हो गया। लेकिन कोई ना गाइस, आज अपन लोग ने कुछ नए डायनो जो है ना गाइस वो तो टेम कर लिए, एक डोडो टेम करा जो कि बॉस को टक्कर दे सकता था गाइस। अगर मेरे पास 1-2 हज़ार हीलिंग पोशन होते ना, तो जो अबिस वाला बॉस जिसको हमारा टैबू वाला वाइब्रेंट नहीं मार पाया ना, उसको भाई डोडो मार देता भाई, ठीक है। लेकिन अफसोस कि हमारे पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल थे नहीं, एंड उस रीज़न से गाइस यहाँ पे हम लोग बॉस फाइट कर नहीं पाए। लेकिन गाइस रुको एक मिनट रुक जाओ, घर पे चलो भाई। मैंने बोला था कि अपने डोडो की जो पावर है ना वो मैं आपको दिखा के रहूँगा, तो मैं अभी आपको जो ना कि अपने डोडो की पावर दिखाने वाला हूँ। कैसे, रुको गाइस आपको बताता हूँ। मैं डोडो को जो ना कैसे एक बॉस से अभी यहाँ पे बिड़ाने वाला हूँ। वो बॉस कौन सा है, मैं किसको ले लूँ भाई, प्लैनेट ईटर वाले को ले लिया मैं, ठीक है। आ जाओ चलो भाई, ये जो है ना गाइस प्लैनेट ईटर बाय ड्रैगन भाई, प्लैनेट ईटर ड्रैगन को गाइस हम लोग हमारे डोडो से बिड़ा देंगे भाई, ठीक है। आपको भी दिखाता हूँ गाइस कि हमारा डोडो कितना ज़्यादा पावरफुल है भाई। डोडो से मरेगा भाई ये बॉस भाई, बेइज्जती 100 हो जाएगी बेचारे की। तो चलो गाइस मैं डोडो से डायरेक्टली बिड़ा रहा हूँ इस बॉस को, देख देगा इसकी डोडो इस प्लैनेट ईटर बॉस को, ड्रैगन को मार पाता है कि नहीं। वैसे प्लैनेट ईटर ड्रैगन हम लोग ने खुद ने भी टेम कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ यहाँ अपना डोडो, छोटा सा डोडो गाइस, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा डोडो, एबिस वाला है लेकिन ये डोडो। और अभी इस डोडो से हम लोग भाई बॉस को मारने वाले। चलो टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं, बॉस को यहाँ पे स्पॉट करता हूँ इन 1 2 3 एयर वी गो बॉयज, ठीक है। क्या रे भाई प्लैनेट ईटर है वर्ल्ड, अरे अच्छा वर्ल्ड ईटर नॉट प्लैनेट ईटर। अरे भेज गया, घर जाएंगा तेरा। ये डालना आसमान से, डालो आसमान से अटैक डाल। मर गया क्या, नहीं मरा नहीं भाई। ये डैमेज तो ज़्यादा पड़ ही नहीं रहा है। अबे ये बहुत ज़्यादा नल्ला बॉस निकला रे, मर गया कैसे बॉस पर, खा जा इसको भेज गया। मर गया कैसे बॉस भाई, मैंने एक अटैक दिया था खाली भाई, कुछ ज़्यादा ही नल्ले बॉस से फाइट ले ली लग रहा है मैंने अपने डोडो से भाई। हाँ हाँ क्या लगता है गाइस आपको, मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही नल्ले बॉस से फाइट ले ली। ये तो 1-2 फटके में गाइस यहाँ पे फ्री बर्ड में मर गया भाई, ये मरने से पहले थोड़ा ओवर एक्टिंग कर रहा है गाइस। ये ले हाँ हो गई भाई तेरी ओवर एक्टिंग खत्म, हो गई गाइस, चलो हो गई भाई। अरे नहीं भाई बची हुई है, थोड़ी सी बची हुई है। हाँ भाई हो गई खत्म, अभी इसको हार्वेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा डोडो हार्वेस्ट नहीं कर सकता, किसी को मैं भूल गया था। चलो गाइस फाइनली डोडो से एक बॉस को तो मैंने मार दिया, वो भी वर्ल्ड ईटर गाइस, ठीक है। वर्ल्ड को खाने वाला बॉस था, और इसको हम लोग ने डोडो से एकदम मतलब भाई 5-10 सेकेंड में हरा दिया, काफी ईजी था इस बॉस को हराना। बाकी गाइस हमारा ये डोडो और हमारा जो टैबू वाला वाइब्रन आज हम लोग ने डेम करा, ये दोनों आप लोगों को कैसे लगे मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आने वाले एपिसोड में मतलब अगले वाले एपिसोड से हमारा जो आगे का जर्नी हमारा वो चालू हो जाएगा। लाइक अपने जो बॉसेस बिसेस बचे हुए उनको मारना अपन चालू कर देंगे, टेंशन नहीं लेगा। बस 4-5 और बॉसेस बचे हुए हैं, उसके बाद डायरेक्टली फाइनल ड्रैगन बॉस से अपना फाइट होने वाला है, जो कि गोल्डन ड्रैगन बॉस है। तो देखते हैं गाइस उसको हम लोग हरा पाते हैं कि नहीं। फिलहाल के लिए तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है ड्रैगन हंटर का, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते हैं सीधा अगले वीडियो में। But it's too late now, I remember you and me, and how careless
less we yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.